नमस्कार दोस्तों, विश्व में ऐसे बहुत कम ही मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यह जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के में एक ज़िला पड़ता है रतलाम, वहाँ पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर का नाम आप देख सकते हैं, श्री महालक्ष्मी जी बड़ा मंदिर। यहाँ की खास बातें क्या हैं उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात तो यहाँ यही है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा सोना और चांदी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके लिए स्पेशल जो भर्ती होती है या फिर जो भी फोर्स होती है, स्पेशल फोर्स लगती है इस मंदिर की सुरक्षा के लिए। रतलाम में महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है, यहाँ पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की जो है, यहाँ पर सोने चांदी का जो है जवाहरात माता जी को जो है हमेशा चढ़ा रहता है। इस मंदिर में कुछ और ख़ास बातें हैं। जैसे इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी जाता है तो उसकी जो है मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है, या जैसे आप कुछ सोना चांदी आप इस मंदिर में चढ़ाते हो बहुत जल्द आपको दुगना होकर मिलता है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है, और जैसे कि दिवाली आती है या आने वाली भी है अभी, तो उस समय भी इस मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो खासकर जैसे रतलाम, ये आप देख सकते हैं देवी माता का, पहले दर्शन कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी, क्योंकि आप माता जी के देख सकते हैं किस तरीके से माता जी को सजाया गया है। यह जैसे आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, यह जो है माता जी की हमेशा ही ये माता जी के जो है इस तरीके से माता जी की हमेशा सजावट रहती है। हालांकि यह मंदिर जो है मेनली, जैसे कि इसकी पूजा पाठ की जाए तो यह जो है दिवाली के आसपास ही इस मंदिर को पूर्ण रूप से खोला जाता है, अन्यथा यह हमेशा के लिए उस तरीके से नहीं खुला होता जैसे यह दिवाली के आसपास खोल दिया जाता है। दिवाली के आसपास इसलिए खोल दिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि माता लक्ष्मी का यह मंदिर है, और माता लक्ष्मी जो है जैसे गणेश जी हैं वह बुद्धि के देवता माने जाते हैं, और माता लक्ष्मी वह जो है धन की देवी मानी जाती हैं। तो जो माता लक्ष्मी हैं इनके पास देख सकते हैं, इनकी यहाँ की जो मूर्ति है, आप अभी वीडियो में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर मूर्ति है माता की, उनकी जो मूर्ति है वह भी खास है, क्योंकि एक ही मूर्ति में पहली बात तो दो आपको सिर दिखाई देंगे, उसके बाद वहाँ पर जैसे मूर्ति के पास में गणेश जी और एक साइड जो है माता सरस्वती भी विराजमान है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, जैसे महालक्ष्मी मंदिर मध्य प्रदेश रतलाम, और मंदिर की इतिहास की पूरी जानकारी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह केवल विश्वास ही है या असंभव है या संभव करने की शक्ति रखता है यह मंदिर, ऐसी मान्यता है। जैसा लोगों को उनको जो कीमती सामान होते हैं उनको अलग कर देना और उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। आपके घर में अगर सोना चांदी रखा हुआ है उसको जो है अपने से अलग करके ले जाकर किसी मंदिर में देकर आना, ऐसी यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि रतलाम में जो महालक्ष्मी का ये मंदिर है, यहाँ पर जाएं आपको जो है लाखों लोग आपको मिलेंगे दिवाली के आसपास यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और यह महालक्ष्मी का जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, और यहाँ पर स्वेच्छा से ही लोग अपने जो सामान होते हैं वह अस्थायी रूप से लाकर यहाँ पर गहने वहने अपने रख कर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित ये महालक्ष्मी मंदिर जो स्थित है, यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य है जहाँ भक्त जो है दूर दराज कोनों से भाग्य देवी, या फिर इनको माता लक्ष्मी या इनको बड़ा महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर अपनी नकदी और कीमती विरासत लाकर माता के यहाँ पर रख देते हैं दीपावली से 5 दिन पहले, और भैया दूज के बाद इसको ले जा सकते हैं। तो यह जो खास बात है, इसके जैसे दिवाली के दौरान रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर को सजाने के लिए एक विशिष्ट रूप से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर जो वहाँ के पुजारी होते हैं मंदिर के, वो जो है जितनी भी नकदियाँ आती हैं वो सारी की सारी माता के जो है सजावट के लिए रख दिया, और जैसे कि जो सोना चांदी देकर जाते हैं उनको पूरा जो है एंट्री की जाती है रजिस्टर में उसका, जैसे मुख्य पुजारी हैं नकदी आभूषण कीमती सामान सबका सब स्वीकार करते हैं, जिन्हें मंदिर के जो है गर्भगृह में रखा जाता है। चढ़ावा इतनी ज़्यादा मात्रा में आता है दीपावली के समय कि आप सोच नहीं सकते कि अधिकारी के पास उन सामानों को रखने की कई बार जगह कम पड़ जाती है, इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ हो जाती है कि जो है जो भगत हैं अपने घर से जो है सोना चाहते हैं, जो भक्त दिवाली पर अपने इष्ट देव या जैसे माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा मानते हैं, या फिर उनको जो है जो भी आप चढ़ाते हैं, जो भी धन है, जो भी आपके अंदर जो कह सकते हैं कि आप जो चढ़ा सकते हैं वो उसको चढ़ाने की जो इच्छा होती है उसी तरीके से माना जाए, ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएँ पहली बात तो पूरी होती हैं,
एक लोकप्रिय समाचार पोर्टल है जैसे कि बात करते हैं, एक भक्त का मानना है जो इस मंदिर में हमेशा हर साल कई सालों से आ रही हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि जैसे कि अब मैं यहाँ पर जो है 6 वर्षों से महालक्ष्मी जी के मंदिर में आ रही हूँ लगातार, और मैं बहुत खुश हूँ और इस मंदिर में जो भी मैंने मांगा हुआ है वह सारी की सारी अपनी इच्छा पूर्ति हुई है। तो धन रखने के लिए जगह की कोई कमी नहीं होती। अधिकारी जो है दिवाली के उत्सव के दौरान जो है मंदिर में कीमती वस्तुओं को सजाना जारी रखते हैं। भक्तों को इतनी सारी जो है यहाँ की जो मात्रा धन की है वह जो है मंदिर प्रशासन में प्रसाद के रूप में एक कमर कस ली जाती है, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है इस मंदिर में जो भी आता है दर्शन करने के लिए उसे जो है प्रसाद के रूप में जो है पैसा और धन दिया जाता है, या सोना चांदी भी किसी किसी को मिलता है, ऐसी मान्यता है। मंदिर के अंदर जो है चोरी जैसी घटना भी हो सकती है, जब इतना बड़ा मंदिर है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इसके लिए भी जो है बहुत सारी जो है वहाँ पर सुविधाएँ की गई हैं। विश्व में ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं लेकिन जहाँ पर प्रसाद आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन भारत में कई ऐसे देवी देवताओं के मंदिर हैं जहाँ मंदिर के में भगवान के हिसाब से भक्त प्रसाद को चढ़ाते हैं। कुछ लोग प्रसाद के साथ साथ थोड़े से पैसे दान पेटी में डाल देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी से जो ये सटा हुआ जो रतलाम है, यहाँ पर जो माता का मंदिर है, यहाँ पर जो है जो भक्त होते हैं वह सोने चांदी होते हैं और पैसों की गड्डियाँ चढ़ा कर जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ लोग इस मंदिर को जो है कुबेर का खजाना भी बताते हैं, धन दौलत हीरों मोतियों की भीड़ मिलती है। प्रसाद के रूप में बात की जाए रतलाम में महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है, महालक्ष्मी जी का मंदिर, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती भी साथ में विराजित हैं। यहाँ लोग अपनी धन दौलत को जो है हीरा मोती सोने चांदी के जो जेवर हैं वो भेंट में चढ़ाते हैं। मंदिर में जो है दीपावली के समय जो है फूल की जगह इन्हीं पैसों से और जेवरों से जो है महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसी कारण से इसे जो है इस मंदिर को जो है कुबेर का खजाना भी कहा जाए। बता दें कि जो है श्रद्धालुओं की हर एक छोटी बड़ी भेंट को बाकायदा रजिस्टर में एंट्री किया जाता है और उसके साथ उनके साथ पूरा वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। और इस मंदिर की खास बात यह भी है, यहाँ पर इस मंदिर में इसे दिवाली के 5वें दिन ही बही खाते के रिकॉर्ड से भक्त को लौटाया जाता है, और ऐसी मान्यता है जो भक्त वहाँ पर जो सामान रख के जाता है उसका बहुत जल्दी उसको डबल करके मिलता है। तो माता की वहाँ पर जो शक्ति है इसीलिए जो होते हैं। और रतलाम तो जो ऐसे आप सभी पता है रतलाम जो है बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, वहाँ पर जो है कच्चा उत्पादन बहुत ज़्यादा है, और जब से ही रतलाम की स्थापना हुई है वहाँ पर जो है ये माता का मंदिर भी तभी से स्थापित हुआ है। तो जब से माता का स्थापित हुआ है मंदिर और तभी से वहाँ का जो बिजनेस सेक्टर है वो पूरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता जाए, इसीलिए वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं वो पूरा इस मंदिर के लिए सहयोग करते हैं, बल्कि यह सारी चीज़ें देख कर भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं। बात की जाए इस मंदिर की स्थापना की तो वहाँ पर जो महाराज राजा जो रतन सिंह राठौड़ थे उन्होंने जो है रतलाम शहर बनाया था, और जब उन्होंने पहली बार यह जो है मंदिर था, हालांकि जब बाद में बना था, उसके बाद जब इस मंदिर की स्थापना हुई, स्थापना होने के बाद जो है यहाँ पर जो मेन जो तिजोरी होती है वहाँ से जो है लोग सोना चांदी ले जाकर मंदिर को चढ़ाया, वहाँ से जाकर एक जो है यह जो है एक तरीके से एक समझ लो कि वहाँ से परंपरा बन गई कि जो है जो भी हर साल जैसे कि दीपावली आने वाली होती है तो उसके कुछ दिन पहले ही लोग जो है अपना सोना चांदी जो भी होता है उसको ले जाकर रख देते हैं और मंदिर में, और उसके बाद जो है कुछ जब से कि 5 दिन बाद जो है वह सबको वापस किया जाता है। किसी का धन उसी टाइम डबल हो जाता है या किसी का कुछ समय लगता है डबल होने में। इस मंदिर की खास बात की बात और की जाए तो जैसे इस मंदिर में मैंने आपको बताया ये रतलाम जो शहर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर माता की मूर्ति है एक ही मूर्ति की जो है आप देखोगे एक साइड में जो है दूसरी माता की मूर्ति निकली हुई है, एक साइड में दूसरी माता, यह भी एक खास बात है। ऐसी मान्यता यह है कि जैसे कि वहाँ मंदिर में जो है गणेश जी और साथ में माता सरस्वती भी बैठे हुए हैं, तो जो माता लक्ष्मी हैं वो तो जो है धन की देवी हैं आप सभी को पता है, उसी तरीके से जो गणेश जी हैं बुद्धि के देवता हैं। तो ऐसा ना हो अगर किसी के पास धन आ जाए तो उसकी बुद्धि काम ना करे, इसीलिए जो है गणेश जी को बिठाया गया है कि अगर किसी के जो है पैसा है उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, किसी के पास धन है तो अगर किसी के पास बुद्धि है तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो यह मंदिर इसीलिए समर्पित है माता लक्ष्मी और गणेश जी को कि यहाँ पर जो कोई भी आता है उसकी जो है सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है माता जैसे गणेश जी हैं उनके जो है बुद्धि भी मिलती है और माता लक्ष्मी हैं तो उससे उनको धन भी मिलता है। एक खास बात और है यहाँ पर माता सरस्वती का बैठना यहाँ पर जो है लक्ष्मी के बगल में, क्योंकि ऐसा कोई मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जहाँ पर गणेश लक्ष्मी हों और साथ में सरस्वती भी देखने को मिलती हों। सरस्वती को यहाँ पर मुख्यतः इसलिए बिठाया गया है कि ऐसा मान्यता है कि जैसे कि
इस मंदिर में की मान्यता नहीं, वैसे भी सरस्वती को आप सभी पता है विद्या की देवी माना जाता है। तो अगर यह सारी चीज़ें धन और आपको बुद्धि, ये अगर दोनों चीज़ें अगर आपको चाहिए तो माता सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी। तो यही है, अगर इस धाम में अगर आप पहुँच रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये तीनों के तीनों आपके ऊपर मेहरबान है, तभी आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हर कोई जा नहीं सकता। हालाँकि दिवाली के समय जो मंदिर खुलता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है कि मंदिर को जो है कई बार बंद करना पड़ता है दीपावली के समय में। ऐसी ही एक कथा है यहाँ माता की, जैसे आप कहते हैं महालक्ष्मी मंदिर अपने आप में खास तो है ही, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर करोड़ों की सजावट के अलावा जो माता की मुख्य प्रतिमा है उसका भी अपना एक खास महत्व है। जैसे मंदिर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, मगर उस प्रतिमा में एक माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है उसमें जो है दो स्वरूप दिखाए गए हैं, एक है गजलक्ष्मी और एक है धनलक्ष्मी। जैसा कि आप सभी को पता है गजलक्ष्मी भी आप माता का लक्ष्मी का ही रूप है और धनलक्ष्मी तो है ही, और मेनली जो लक्ष्मी का है तो है ही। तो जैसे यह महालक्ष्मी जैसे मंदिर का नाम है उसी तरीके से जैसे कि एक ही प्रतिमा दो अगर उस दिखाया गया है जो माता का स्वरूप है दिखाया गया है, तो यह भी एक सोचने वाली बात। जैसे कि एक काफ़ी फेमस जो है धर्म ग्रंथों में जैसे हमारे लिखा हुआ है माँ लक्ष्मी के जो है मुख्यतः जो है 8 स्वरूपों का वर्णन मिलता है जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ के जो है अष्टलक्ष्मी स्वरूप को अपने आप से जो है अपने रूप के अनुसार जो है अलग अलग भक्त उनकी पूजा पाठ करते हैं। तथा जैसे कि माता का पता है कि सुख समृद्धि प्रदान करना माता का मुख्य काम है, माँ लक्ष्मी के जो है 8 स्वरूप जो हैं इसमें आदि लक्ष्मी हैं, धन लक्ष्मी हैं, धान्य लक्ष्मी हैं, गजल लक्ष्मी हैं, संतान लक्ष्मी हैं, वीरल लक्ष्मी हैं, भाग्य लक्ष्मी हैं, विजय लक्ष्मी हैं, विद्या लक्ष्मी हैं। इसी तरीके से ये सारी माता के जो नाम हैं या इनसे इनकी अगर सबकी पूजा कर ली जाए तो आपकी ज़िंदगी का उद्धार हो जाता है, ऐसी मान्यता है। जीर्णोद्धार के समय आपको इस मंदिर में काफ़ी सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं है इस मंदिर के अंदर ऐसी क्या खास बात है, कि जो व्यक्ति उस दर्शन करने के लिए आ रहा है उसके साथ क्या चमत्कार हो जाए। इसीलिए इस मंदिर में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ आए दिन बढ़ती जा रही है। दिवाली के समय खासकर इस मंदिर में जो है जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हर जगह फूल मालाएं चढ़ती हैं, क्या क्या होता है यहाँ पर, जो भी फूल वगैरह या कुछ भी होता है यहाँ पर, कोई भी जैसे कि फंक्शन होता है या तो खासकर दिवाली के समय की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सोना चांदी, और उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जो है सोना चांदी हो गया, पैसे हो गए, उसकी मालाएँ बनाकर सभी देवी देवताओं को पहनाया जाता है। आप अभी ये वीडियो देखिए, इसमें जो है पूरा आपको साफ छाप नज़र आएगा कि माता का जो रूप है वह किस तरीके का दिखाया गया, साथ में गणेश जी और एक साइड में जैसे कि आप देख सकें माता सरस्वती विराजमान है। उसके कारण कई भी हो सकते हैं, जैसे कि एक भक्त ने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो मंदिर है यह काफ़ी जो है रहस्यमयी चमत्कारी, और यह भी है कि आप अगर उन पर भरोसा रखते हो तो आपकी वह सारी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी करती हैं। तो माता का यह जो रूप यहाँ पर दिखाया गया है इसके साथ साथ ही जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ के जो पुजारी बताते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जिनको पुजारी ने जो है छोटे से बहुत बड़ा सेठ बनते हुए देखा हुआ है। तो यहाँ पर यह भी काफ़ी चमत्कार है कि जैसे कि उसके पास कुछ भी नहीं था, अगर वो आया था 100 रुपये रख के चला गया माता के दरबार में दीपावली से पहले कि माता हे माता ये 100 रुपये मेरे पास हैं आप इसको रखो, और उसके बाद जो है आप अब आप ही देखो कि मेरा क्या होने वाला है। तो उस भगत को माता ने काफ़ी सुनवाई करी, उस भगत का जो है 100 रुपये से ये सीधा अगर 1 साल में अगर उसको 10 लाख रुपये का माता बना सकती, वह व्यक्ति जो है कुछ समय बाद ही जो है एक छोटी सी दुकान का जो है मालिक बनता है और वह सेठ बन जाता है 1 साल के अंदर अंदर। अगले साल ही वही व्यक्ति जो 100 रुपये रख के चला गया था, अगले साल वही आकर वहाँ जो है उस मंदिर में जो है 5 लाख रुपये रखता है कि हे माता मेरे ऊपर कृपा करना, और कि कृपा इस तरीके से करना कि मेरा यह भी धन डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 100 गुना हो जाए। और होता भी यही है, कुछ समय पश्चात ही जैसे ही वह समय बीतता है वह जो सेठ होता है जो कि पहले एक बहुत गरीब आदमी था वह जो है उसी तरीके से जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर सभी जितने व्यापारी हैं जो रतलाम के मुख्यतः माने जाते हैं, जो वहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं वो सारे के सारे माता की इसी मान्यता के आधार पर वो जो है हर साल जैसे ही जो है दिवाली आने वाली होती है तो वहाँ पर अपना जो धन आपको जो भी लगता है कि यह हमारी मुख्य बात है या किसी को जो भी उनकी समस्याएं होती हैं वह चीज़ जो रखी जा सकती है वो लाकर जो है वहाँ पर रख के चले जाते हैं। चाहे कोई सोने का गिलास रख रहा है, कोई सोने का चम्मच रख रहा है, कोई जिसका भी जो चाहिए, अगर उसको सोना
चाहिए तो सोना का रख के जा रहा है, चांदी का चाहिए चांदी का, पैसे का चाहिए पैसे। अब मुख्यतः ये देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से पैसों की जो है बहुत ज़्यादा जो है डिमांड जो है तो पैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाए जा रहे हैं, सोना चांदी कम, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है माता के यहाँ पर जो है जैसे कि फ़ोटो खींची गई है माता के मेन तस्वीर के साथ में कि वहाँ पर जो सोने चांदी के। एक खास बहुत बात और भी है इस मंदिर की, आपको जानना चाहिए कि काफ़ी सारे लोग जो कि जो बहुत ज़्यादा चढ़ावा करते हैं वहाँ के जो लोकल खासकर व्यापारी हैं तो उनको जो है जैसे कि ये प्रसाद के रूप में जैसे कि वो बहुत ज़्यादा करते हैं दान वगैरह, तो वहाँ पर जैसे कि माता का जब प्रसाद बढ़ता है तो वहाँ पर जो है उनको जो है सोने और चांदी के जो है कुछ जो भी बनता है या जो भी वहाँ पर हो सकता है वह जो है उनको जो है सोने चांदी की भेंट के रूप में प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद ऐसा नहीं है कि जैसे हर जगह प्रसाद मिलता है वैसा प्रसाद नहीं मिलता, वहाँ पर जो है जी किसी को जो है 10 रुपये प्रसाद मिल रहा है, किसी को 20 रुपये मिल रहा है, किसी को जो है सोना चांदी मिल रहा है। तो वहाँ पर यह चीज़ देखकर जैसे आप देखिए वीडियो के माध्यम से कितना सारा पैसा चढ़ाया गया है इस मंदिर में, तो यह बात मानने वाली है इस मंदिर में कुछ ना कुछ ऐसा खास बात है कि जिसके कारण से वहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। और इतना चमत्कारी मंदिर होते हुए भी वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि मतलब मंदिर में कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व ना घुस जाए या कोई गलत घटना ना हो जाए, इस कारण से वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। तो आप भी अगर कभी आपके पास समय लगे तो आप भी इस मंदिर में जरूर एक बार विजिट करेंगे। आप देखिए वीडियो के माध्यम से मतलब कितना ज़्यादा जो है पैसों का पूरा एक बंडल ही पूरा बनाई गई है। तो आपको इस मंदिर में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई सारी चीज़ें रुकी हुई हों उसका जो है पूरा हो जाए। तो ये था पूरा वीडियो का सार, ये जो माता लक्ष्मी का मंदिर है। आप जय माता जी कमेंट में करेंगे, जय लक्ष्मी माता कमेंट में करेंगे, जय श्री गणेश कमेंट में करेंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।